नाइन्थ स्टैंडर्ड। लास्ट टाइम हम लोग ट्राइंगल स्टार्ट किए थे, तो ट्राइंगल्स में से हम लोग का थर्ड क्वेश्चन तक हो गया था, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन, और मैंने होमवर्क करने को बोला था बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके लिए ये मैं करके बता रही हूँ आप लोग को। अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल। आइए फोर्थ भी हो गया अपना, फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, ये ऐसा डायग्राम दिया है, ई एन एम, Z, ये है 140 और ये वाला दिया है 100, ठीक है। अभी गिवन में क्या क्या दिया है देखो, गिवन में है फर्स्ट है एंगल TEN इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, TEN इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। एंगल ई एम आर इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। बस ये दो चीजें दी है, और फिर हम लोग को क्या निकालना है, फर्स्ट है एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल्स वाई इक्वल्स टू व्हाट, एंगल जेड इक्वल्स टू, मतलब एक्स वाई जेड इसका मेजरमेंट निकालना है हम लोग को। तो अभी यहां पे एक्स वाई जेड टी ई एन एम 140, तो TEN दिया है 100, TEN 100, EMR 140 दिया है, तो X, Y, Z निकलना है, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो TEN दिया है और TN 100 दिया है, तो ये जो Y है, तो एंगल TEN और एंगल NEM दोनों जो है लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो यहां पे स्टार्टिंग करते वक्त हम लोग को लिखना पड़ेगा एंगल TEN एंड एंगल TEN एंड एंगल NEM इज इक्वल्स आर लीनियर पेयर एंगल। अभी लीनियर पेयर है तो दोनों एंगल्स कैसे है, सप्लीमेंट्री है, दोनों को ऐड करोगे तो 180 आएगा। तो देयरफॉर मेजर एंगल TEN प्लस मेजर एंगल NEM इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो TEN है 100,
प्लस मेजर एंगल एन ई एम इज इक्वल्स टू 180, देयर फोर अभी मेजर एंगल एन ई एम मतलब क्या है, y है, और हम लोग को y करके पूछा है, एन ई एम करके नहीं पूछा है, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 100, देयर फोर y इक्वल्स टू 80 डिग्री। हाँ अभी y कितना आया, 80 आया। अभी ये वाला एंगल ई एम एल एंड ई एम आर ये दोनों भी लीनियर पेयर एंगल है, एंगल ई एम एन एंड एंगल ई एम आर आर लीनियर पेयर एंगल, देयरफॉर फिर ये दोनों को ऐड करके मेजर एंगल ई एम एन प्लस मेजर एंगल ई एम आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ई एम आर कितना दिया है, 140 दिया है, और ई एम एन दिया है जेड प्लस 140 इज इक्वल्स टू 180, देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 140, जेड इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये कितना आया, 40 आया। अभी इन ट्राइंगल ई एन एम अभी हम लोग को एक्स निकालना है, इन ट्राइंगल ई एन एम इन ट्राइंगल ई एन एम एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आएगा सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो एक्स निकलना है, वाई है 80, जेड है 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 80 प्लस 40 120 इज इक्वल्स टू 180, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 120 60 डिग्री। ठीक है, हो गया। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन, ऐसा दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई, ए
बी पैरेलल टू डी, मतलब गिवन में क्या रहेगा, ए बी पैरेलल टू डी ई, और क्या दिया है, बस इतना ही दिया है, और गिवन में ये जो डायग्राम में दिया है वो सब लिखना है। एंगल बी ए आर लिखो, नहीं तो बी ए डी लिखो, इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल डी ई आर इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। तो अभी ए बी पैरेलल टू डी ई दिया है, और क्वेश्चन और क्या दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ, प्रूफ क्या करना है, एंगल डी आर ई इक्वल्स टू व्हाट, एंड एंगल ए आर ई इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, ऐसा दिया है, ऐसा पूछा है। तो अभी ए बी पैरेलल टू डी दिया है, और ये अगर ट्रांसवर्सल लेते हैं हम लोग, by taking AB parallel to DE and AD is a transversal, तो अभी फिर BAD and ADE, ये जो दोनों triangle angles है, ये और ये angle, ये Z वाले angle है, बराबर, तो वो Z वाले हैं, तो वो अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। देयरफॉर एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी ई, रीजन अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। बट बी ए डी दिया है वो लोग ने 70, तो अगर बी ए डी ले, बट मेजर एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए डी ई इज आल्सो 70 डिग्री, ठीक है। बट हम लोग ने क्या पूछा है, डी आर ई, डी आर ई ये वाला पूछा है, और ए आर ई, ए आर ई मतलब ये और ये एंगल पूछा है, ठीक है। अभी मेरे को ये मिला, तो इन ट्राइंगल आर डी ई, उसमें से डी मिला है 70, ई दिया है 40, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं, एंगल आर डी ई मेजर एंगल प्लस मेजर एंगल डी आर ई प्लस मेजर एंगल BER is equals to 180 degree, reason sum of angles of triangle is 180 degree, ठीक है। तो RDE 70 plus DRE निकालना है, प्लस डी ई आर 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 70 प्लस 40 110, डी आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल डी आर ई इज ऑल्सो 70 डिग्री। ये आया हम लोग का सेकेंड, जो फर्स्ट निकालने को बोला है। फिर है ए आर ई, तो अभी लिखो एंगल ए आर ई एंड एंगल डी आर ई आर लीनियर पेयर एंगल, therefore major angle ARE plus major angle DRE is equal
इक्वल्स टू 180, तो ए आर डी आर ई आया है 70, अभी है 7th वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी intersect at point O if angle C is equals to 70 degree, then find major angle of AOB. तो अभी गिवन में क्या लिखोगे? रे ए ओ एंड रे बी ओ इंटरसेक्टिंग इन पॉइंट एट पॉइंट bisector or angle A, फिर रे बीओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी।
प्लस सी कितना दिया है 70। ये वाला एंगल पूछा है तो देखो ये एंगल सी कितना दिया है 70 है, मतलब ये जो दोनों रिमेनिंग रहेगा, मैं बता रही हूं क्या करना है, इन ट्राइंगल ए ओ नहीं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना है पता नहीं, एंगल बी कितना है पता नहीं, बट एंगल सी दिया है 70 इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 110। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी दोनों मिला के 110 हो गया। बट हम लोग को हमारे पास क्या है कि बाइसेक्टर दिया है, तो इसका भी अगर मैं हाफ करती हूँ, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, मुझे सब जगह का हाफ करूंगी, तो हाफ ऑफ एंगल ए क्या हो गया ओ ए बी, दोनों हाफ है उसका, बट हम लोग को अभी जरूरत किसकी है ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस ओ बी ए इज इक्वल्स टू इसका हाफ किया 55 डिग्री। ठीक है, मतलब ये दोनों को मिला के 55 डिग्री आया। अभी इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी उसमें मेजर एंगल ए ओ बी प्लस मेजर एंगल ओ ए बी प्लस मेजर एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू 180। छोटा एंगल रहेगा छोटा ट्राइंगल रहेगा तो भी रूल चेंज नहीं होते, रीजन यही रहेगा सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। बट उसमें से ये जो है हमारे पास ये कितना आया है 55 डिग्री, देयरफॉर मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। यहाँ पे रीजन तुम लोग चाहिए तो लिखो, यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट नंबर दे रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। एट वाला क्वेश्चन
तुम लोग सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर 9th और 10th में करा दियो। Using the information in the figure, find the measures of angle A, angle B. ये है ए बी सी, यहाँ पे ये 70 डिग्री दिया है और यहाँ पे ये 100 दिया है, ठीक है। तो अभी गिवन में क्या क्या दिया है, एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल पी आर यू इक्वल्स टू 100 डिग्री दिया है, ठीक है। अभी देखो यहां पे एंगल एस क्यू टी और एंगल बी ये दोनों अपोजिट एंगल्स है, देयरफॉर हम लोग यहां पे लिखेंगे एंगल एस क्यू टी एंड एंगल बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी कितना हो गया फिर 70 डिग्री। एक मिला, देखो ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं रहता है, आप लोग को जो आता है वही तुरंत मैं लिख रही हूँ। फिर अभी ये फर्स्ट आया अपना, फिर एंगल पी आर यू एंड एंगल पी आर क्यू आर लीनियर पेयर एंगल, देयरफॉर एंगल पी आर यू प्लस एंगल पी आर क्यू is equals to 180 degree। तो पी आर यू कितना दिया है 100 प्लस पी आर क्यू मतलब क्या है सी इज इक्वल्स टू 180 degree, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 180 हो गया, एंगल सी कितना हो गया 80 आया। फिर हम लोग को एंगल ए चाहिए, अभी इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन पता है तुम लोग को, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल पी कितना है एक्स क्यू कितना है वाई जेड ने ए बी सी सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ए निकालना है बी है 70 सी है 80 एंगल ए प्लस 70 प्लस 80 150
एंगल बी इक्वल्स टू 70 70 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 80 डिग्री। टेंथ वाला भी क्वेश्चन तुम लोग खुद से करने की ट्राई करो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी तुम लोग को आना ही चाहिए, बट खुद से ट्राई करो, खुद का दिमाग लगाओ और मेरे को होमवर्क कोई कुछ फिर से भेजना बंद किया है बच्चों लोग ने, तो प्लीज होमवर्क भेजा करो।